जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के शिक्षक थे और राजनीति शास्त्र भी पढ़ाते थे। तो आचार्य चाणक्य ने विद्यार्थियों के लिए कुछ बातें बताई हैं जिसको ध्यान में रखने से कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। आचार्य चाणक्य की इन बातों को अगर कोई भी विद्यार्थी ध्यान में रखता है या इनको अपने जीवन में उतारता है तो उस विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए जानते हैं महान आचार्य चाणक्य ने विद्यार्थियों के लिए वो कौन सी बातें बताई हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर चाणक्य की बताई गई नीतियों का अगर कोई भी विद्यार्थी पालन करता है तो विद्यार्थी मनचाही सफलता पा सकता है। चाणक्य ने सबसे पहला बात जो विद्यार्थियों के लिए कहा है वो यह है कि किसी भी विद्यार्थी को ज्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए। ज्यादा देर तक सोना आलसी होने का निशानी है। अगर कोई व्यक्ति आलसी है तो वह जीवन में कोई भी अवसर उसको मिलता है तो वो खो देता है। ज्यादा नींद लेने वाले विद्यार्थी या ज्यादा सोने वाले विद्यार्थी कोई काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। ऐसे विद्यार्थी अपने जीवन में कभी भी पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को अत्यधिक नींद का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा बात जो चाणक्य ने बताया वो यह है कि विद्यार्थी को काम भावना से बच के रहना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति या विद्यार्थी अगर उसके मन में काम भावना की इच्छाएं उत्पन्न होने लगती है तो उसका गुलाम हो जाता है। उस विद्यार्थी के दिमाग में हर समय वो काम भावनाएं ही सिर्फ चलते रहते हैं, जिसके कारण उसका मन अशांत हो जाता है और उसका पढ़ने लिखने में कोई मन नहीं लगने लगता, जिस कारण से वो सही से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है और उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। तो किसी भी विद्यार्थी को काम भावना से दूर रहना चाहिए। तीसरी बात जो चाणक्य ने बताया है विद्यार्थियों के लिए वो यह है कि अपने गुस्सा पे नियंत्रण रखना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना। अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव क्रोध वाला हो और वह छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता हो तो ऐसा व्यक्ति अपने क्रोध में यानी गुस्सा में किसी का भी बुरा कर सकता है। तो चाणक्य का कहना है कि अगर कोई विद्या प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए उसका मन शांत होना चाहिए और एकचित होना चाहिए, तभी वह विद्या प्राप्त कर सकता है। इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी विद्यार्थी को क्रोध पर नियंत्रण करने आना चाहिए। चौथी बात जो आचार्य चाणक्य ने बताया वो यह है कि विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए। कम भोजन करने का यहाँ पे अर्थ यह है कि विद्यार्थी को ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए या कुछ ऐसे पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भोजन करेंगे या आप ऐसे पदार्थों का सेवन करेंगे जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उससे आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। वो आचार्य चाणक्य का कहना है कि विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए वही भोजन करना चाहिए और उतनी ही मात्रा में भोजन करना चाहिए जितना शरीर के लिए आवश्यक है। पांचवी बात जो आचार्य चाणक्य ने बताया है वो यह है कि विद्यार्थी को लोभ और लालच जैसे भावनाओं से दूर रहना चाहिए। जिस विद्यार्थी के मन में लोभ और लालच होता है वह विद्यार्थी अपने विद्या के बारे में सतर्क नहीं रहता और अपना सारा समय लालच को पूरा करने में गंवा देता है। छठी बात जो आचार्य चाणक्य ने बताया है वो यह है कि अपना जो बहुमूल्य समय है उसे विद्या अर्जन करने में या विद्या प्राप्ति के लिए देना चाहिए। इससे आप अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे जिससे आपको भविष्य में सफलता मिलेगा। अगर आप भी विद्यार्थी हैं और अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप आचार्य चाणक्य की इन बातों का जरूर ध्यान रखें। यह है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।